जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे हमें माफ कर दो। अरे तुम्हारे तो इतने में ही पसीने छूट गए। ये सही वक्त है तुम्हें डसने का, लेकिन भगवान को बात तो हमें डसना, हमें डसो, हम कदम से कह रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चा। नहीं नहीं हमारा मतलब है हमारे छोटे छोटे पौधा है बगीचा में, तो हम पानी डालने भूल गए तो हमें डस लोगी तो भी मुरझा जाएंगे, हमें पानी डाले आने दो। पूछी छो किसके साथ कुटरगु कर रहे हैं? राजेश को बोलना पड़ेगा। नागिन दीदी तुम अब काहे खून सुखा रही? खून पीने में जो मजा है ना, वो खून सुखाने में नहीं। भगवान कसम खा के कह रहे आगे से ऐसी गलती ना होगी तो हमें ना डसो। चलो अब मैं नहीं डसती तुम्हें, डसोगे तो अब तुम लोगों को। मतलब मैंने अपना सारा जहर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दिया है तो अब तुम जहरीले हो गए हो। अब तुम जिसे भी छूओगे ना वो तड़प 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 के मर जाएगा। जो तुमने नागिन दीदी का कर दो दादा। अरे हमें माफ कर दे, भगवान कसम आगे से अंडन को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे हाथ लगाने तो दूर की बात, हम अंडा जिंदगी में देखेंगे नहीं, ना खाएंगे ना पिएंगे। भगवान की लाने माफ कर दे। अम्मा हाँ बताएं तुम्हारे लाल को का होएगा, हुए अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं जे। रज्जो तूने देखा है जीजू बेचारे कितने सहम गए, थोड़ा ढील दे यार। वाह शाबाश बिनो, पहली बार तूने अकल वाली बात की है पते की। जकौन से पते की बात है अम्मा, सबकी लगाम तुम कसे बैठी हो, सब तुम्हारे हाथ ही कठपुतली हैं। शाबाश। एक तो हमारे लौंडे को डरा धमका के रखा हुआ है और हम पे इल्जाम लगा रही है। अम्मा हमारी काम अजाल जो हमको को धमकाई है। अम्मा तुम वो देख रही हो दो चार दिन से जो बदले बदले से हैं। करिश्मा कहीं मर रही है। हाँ करिश्मा राधे राधे गाओ, कैसे याद कर लो? जब दोस्त पे बुरा वक्त आता है ना तो उसे याद करना ही पड़ता है। नहीं अब कौन पे बुरा वक्त आयो करिश्मा? तुझ पे रज्जो रानी, तुझ पे। क्योंकि अभी अभी मैंने तेरे मिस्टर को देखा है किसी लड़की के साथ, वो भी हाथ में हाथ डाले। तुम पगलाए गई हो क्या? तुम ऊटपटांग का बोल रही हो? हाँ कछु इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ के बोलो, आई बात समझ में? ले अब जीजू को किसी पराई लड़की का हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे बताने में कैसी शर्म। और सुन आगे का ना तू खुद देख लियो, राधे राधे। बाबू मोशाय ऐसे मुंह लटका कर काहे बैठे हो, जरा मुस्कुराओ। बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबू मोशाय मेरी तरफ देखो। आई हेट टीयर्स पुष्पा, आई हेट टीयर्स, थोड़ा मुस्कुराओ। बाबू मोशाय मैंने तो डरना छोड़ दिया है। बाबू मोशाय चार दिन की जिंदगी है बाबू मोशाय, इसमें डर के क्या जीना बाबू मोशाय, एंजॉय करो बाबू मोशाय, अपनी लाइफ एंजॉय करो। बिंदास जियो सर। और वो नागिन का क्या है सर? कोई हैंडसम नागो मिल जाएगा तो उसके साथ चली जाएगी और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबू मोशाय। अरे गुइया गुइया ठीक हो जाएगा मनोहर तो को पता नहीं, पर नागिन हमारी जानी दुश्मन बन गई। ऐसे सर सबको अपने कर्मों की सजा यही पर काटनी पड़ती है सर। शायद आपके नसीब में उस नागिन का डसना लिखा हो सर। रिलैक्स सर। क्या हुआ सर? मैं आपको अपने हाथों से चाय पिलाता हूँ सर, चाय पीजिए सर। मैं कचूली पीने तुमको पूरी बात नहीं पता, तू सारे जाने कैसी शुभकामनाएं दे रहा हूँ हमें, हमें लग रहा है मनोहर हमारी शमशानी यात्रा की तैयारी हो रही। मतलब
तो कुछ जो नहीं पता जी हाथ है ना जो हम ऐसे करे यही से तो बैठी कैसे अब अभी बन नागिन ने अपनो जहर हमारे हाथन में ट्रांसफर करो है मुझे चार कंधों की जरूरत पड़ जाएगी। तू काय सुनने पड़ गए? अब हमें समझ में आई रहो है जे तुम्हारे लाल कई भिन्न आए भाई थे कई मतलब हमें देख के दूर भाग रहे थे। अरे तू जीजू को क्यों कोस रही है? तो क्या करें हम? हाँ करिश्मा का फोन आ हुआ तो अम्मा वो कह रही थी कि तुम्हारे जो जीजा है ना और तुम्हारे लाल एक लड़की को हाथ पकड़े बिचे को सड़क पे खड़े आते बाने अपनी आंखों से देखो है जे मतलब जीजू का चक्कर चल रहा है? चक्कर तो हमें आए रहो है अम्मा कैसी इतनी सुंदर बीबी हो तो भाई भी कौ और गुल छर्रे उड़ाए रही है। तो कर रही है हम है ना आने दे नाच पीटे को हम बाकी नींबू ना नहीं छोड़ दे तो हाओ टेटुआ तो हम दबाई हैं इनके और गर्दन देखियो अम्मा एक ही तरफ मुड़ी रही है फिर। अरे यार पर जीजू से एक बार बात तो कर ले। क्या बात करें सब आखन के सामने साफ आएगा हुआ है। आप सही बता रहे हैं अब टाइम आएगा हुआ है अब हम इन्हें साफ करें। देख भाऊ तू को हपुआ की जितनी की लाश लगा ली हम तेरो साथ देंगे लेकिन एक बात हम भी कहते हैं भाऊ कहा है कि 20 साल के ब्याह के बाद ना पति पत्नी पति पत्नी कम माँ बाप ज्यादा है जाते ना नमक कम है जाता है। ये तो क्या करे नमक का डब्बा लेके तुम्हारे लाल के पीछे घूमे का? अरे जड़ बुद्धि का बताया मैं बात ध्यान से सुन। देख माना कि तू नौनौ ठइयों की अम्मा है लेकिन अब समय आ गया है टेम आ गया है तू हपुआ की लुगाई बन जा फिर से और अपनी शादी में ना नमक डाल। देख भाऊ मानते हैं कि तेरे सर पर बहुत जिम्मेदारी हैगी लेकिन बहू कुछ समय अपने लाने भी निकाल। अम्मा एकदम सही कह रही है इसलिए मैंने सारी घर की जिम्मेदारी बेनी को दे दी मेरे पास टाइम ही टाइम इसलिए तो मैं खुश रहती हूँ। तू तो अपनी बात ना कर बिन्नो तूने हमारे बेचारे लाल का काम करा करा के ना तेल निकाल रखा है। अम्मा कहीं तुम आओ कहन को मतलब जे तो नहीं है कि हम मेनका बन के ऐसे घूमे और का? अरे हम खुद ही तुम्हारे ससुर के लाने कभी मेनका कभी उर्वशी और कभी लैला बने होते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।